सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल पंडित वीरेंद्र शुक्ला एस्ट्रो सिद्धि को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी और वास्तु संबंधित जानकारी के लिए। जिसको बुध मारे उसको कौन तारे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंडित वीरेंद्र शुक्ला एस्ट्रो सिद्धि में। आज हम ऐसे ग्रह के बारे में जानेंगे जो बहुत मिस्टीरियस है। शनि राहु केतु के नाम पर तो हमें न जाने कितने उपाय करवा दिए जाते हैं, फिर भी हमारी सिचुएशंस वहीं की वहीं खड़ी रहती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस ग्रह के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, इसका हमारी लाइफ में 99.9% रोल बहुत ऊंचा होता है। अगर हम इस ग्रह को ठीक कर लें तो हमारी ज़िंदगी के अंदर 99.9% ही प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के बारे में। जब भी जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब हो जाता है तो उसके लक्षण कुछ ऐसे क्रिएट्स हो जाते हैं। वो 11 लक्षण मैं आपको पहले यहाँ पर बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको 7 सावधानियाँ दूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको उपाय भी दूँगा जिनको आप लोग करके अपने इस प्लैनेट को ठीक कर सकते हैं। 100% ठीक करने के लिए हमें बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलना पड़ता है, लेकिन जितने प्रतिशत हम बदल सकते हैं वो ज़रूर बदलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लक्षण क्या है आपके घर के अंदर। सबसे पहला लक्षण, यदि आपके घर में सांस की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, टीबी की बीमारी आए दिन बनती रहती हो किसी न किसी पारिवारिक सदस्य को, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर का बुध खराब हो चुका है। बहन, बेटी, बुआ, मौसी, इनकी गृहस्थी खराब हो जाए या फिर इनकी खराब गृहस्थी के कारण परिवार की मान सम्मान की खराबी हो जाए या किसी अन्य वजह से घर में मान सम्मान की खराबी के लक्षण पैदा हो जाए, तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि आपके घर का बुध खराब हो चुका है। नंबर 3 परेशानी के लक्षण क्या है। यदि आपके घर के अंदर जो बिजनेस की समझ है आए दिन वो ख़त्म होती रहे, यानी बिजनेस आप दूसरों को वो सलाह दे रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से वो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन वही सलाह आप, वही एडवाइस आप अपने लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो रही है और आप व्यापार करके बार बार फेल हो रहे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये आपकी बुध की खराबी के लक्षण हैं। नंबर 4 परेशानी, घर में नसों की बीमारी आए दिन किसी न किसी को लगी रहना। सर्वाइकल की बीमारी भी अगर किसी को है, घर में थायराइड बिगड़ चुका है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि बुध की खराबी धीरे धीरे अपना बुरा रूप ले रही है। कम उम्र में ही दांत खराब हो जाना या फिर दांत अचानक सारे गिर जाना, ये बुध की खराबी के लक्षण रहते हैं। ध्यान रहे, जिन बच्चों के दूध के दांत हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा, कहीं आप उसको भी इसी के साथ जोड़कर चलें। अब 5वां लक्षण जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, घर के अंदर जो भी बहन, बेटी, बुआएं हैं उनके जीवन साथी की मृत्यु हो जाना। कम उम्र में ही उनके जीवन साथी की मृत्यु हो जाना, ये बुध की खराबी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा लक्षण होता है। इसीलिए यदि आपके आसपास ये चीज़ें बन रही है तो आप ये समझ लीजिएगा घर के अंदर बुध पूरी तरह से खराब रूप लेने की शुरुआत कर चुका है। नंबर 6, हवा में दुर्गंध का ही पता ना लगना। कोई खुशबू है, कोई बदबू है, उसमें फ़र्क ही ना महसूस कर पाना, ये बुध की खराबी का ही लक्षण माना जाता है। और नंबर 7 है, शरीर में अदृश्य रोग लग जाना, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे ना बनना। 8वां लक्षण, शरीर में नसों की कमजोरी इस हद तक हो जाना कि गृहस्थी खराब होने तक के हालात पड़ जाएं, ये 7वें और 8वें सिम्टम्स हैं। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और अपने घर के अंदर जो भी आपके लक्षण हैं उन्हें फाइंड आउट करें और अपने बुध प्लैनेट को ठीक करें। ध्यान रखें, मैं आपको
इसके साथ साथ कुछ सावधानियां भी बताऊंगा जिन्हें आपको फॉलो करनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन पहुँच सके। अब बात करेंगे हम लक्षण नंबर 9 की तरफ। आपके सभी काम ठीक ठाक चल रहे हैं, आपकी हर बात हर कोई मान रहा है, लेकिन अचानक आपके खिलाफ सारी बातें होने लग गईं। अचानक लोग आप ही की बात को क्रॉस करने लग गए। लोग अचानक आपके काम को ही छोड़ करके दूसरों के काम को तवज्जो देने लग गए, यानी 99 पर आ करके आपके हर काम को खराब होने की आदत सी पड़ गई हो। ये आपके घर के अंदर की बुध की खराबी का 10वां लक्षण है। अब 11वां लक्षण ये है कि आपके घर में जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, या जो भी आपका जीवन साथी है या स्त्री, उनको ऐसी बीमारी लग जाना जिसका इलाज नामुमकिन हो जाए, या फिर ऐसी चीज हो जाना जो उनको रेगुलर दवाई के ही बेस पर चलाती जाए। ये 11 लक्षण हैं आपके घर के अंदर जो बुध की खराबी को शो करते हैं। अब हम बढ़ते हैं सावधानी की तरफ। सबसे पहली सावधानी, आपके घर के अंदर जो भी सीढ़ियां हैं उनके ऊपर और उनके नीचे किसी भी तरह का सामान ना रखें। सीढ़ियां आपकी जितनी साफ़ सुथरी होंगी, जितनी उनके ऊपर आप अच्छी सफाई रखेंगे, गंदगी नहीं रखेंगे, उतना आपका बुध स्ट्रांग रहेगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि सीढ़ियाँ हमें छत पर जाने के लिए और छत से नीचे उतरने के लिए होती हैं। अगर हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के हिसाब से समझें तो ये हमारी लाइफ का अप्स डाउन का फेज़ हमें शो कराती हैं। यदि वो गंदी होंगी तो हमें बहुत हार्डल्स आएंगे अपने करियर में ऊपर उठने के लिए। अगर ये गंदी होंगी तो हम जब भी अपने बुरे वक्त में संघर्ष कर रहे होंगे तब हमें कोई भी सपोर्ट करने के लिए साथ नहीं खड़ा होगा। नंबर 2, आपके घर के अंदर जितने भी ऐसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, वाद्य यंत्र रखे हुए जो हाथ से बजाने वाले हैं, वो खराब हो चुके हैं, उनको तुरंत घर से बाहर निकालें। और यदि आपके घर के अंदर वो 11 लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए और उसके बावजूद आप म्यूजिक सीखने का शौक रखते हैं, हाथ से वाद्य यंत्र बजाने का शौक रखते हैं, तो कृपया आप अपने इंस्टीट्यूट या फिर अपने वर्किंग प्लेस तक इसे रखें। आप इसे घर में कम से कम इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। नंबर 3, जो आपके घर के अंदर की सावधानी है, आपके घर के अंदर यदि ढोलकी, तबला, गिटार, सितार, मनी प्लांट, रबर प्लांट, सूखे फूल यदि बेफिजूल में इकट्ठा हो रखे हैं तो कृपया आप इन्हें घर से बाहर निकालें। ये बुध की खराबी को ही रिप्रेजेंट्स करते हैं। इससे आप बुध के जो भी उपाय करेंगे, रिजल्ट आपको उनका बेहतर नहीं मिलेगा। अब नंबर 4, यदि आप अपने घर की पश्चिम दिशा के अंदर मनी प्लांट, रबर प्लांट और तुलसी लगाते हैं, या आप वहाँ पर किसी भी तरह की ग्रीनरी रखते हैं, तो आपके सारे काम 99 पर जा कर के खराब होंगे। आपका जब भी फायदे का काम शुरू होगा तब तब आपका लॉस होगा। आपकी बहुत बोलने की आदत होगी लेकिन काम की बात कुछ नहीं हो पाएगी। अब नंबर 5 लक्षण की तरफ हम बढ़ते हैं। सावधानी नंबर 5, 6 और 7 इसके अंदर है, यदि आप अपने घर के अंदर रद्दी पेपर इकट्ठा करने के शौकीन हैं, पुरानी किताबें जो वेस्ट हो चुकी हैं उनको इकट्ठा करने के शौकीन हैं, या फिर आप अपने घर के अंदर पुरानी यादों से संबंधित जो पुराने खराब सामान हैं उनको आप इकट्ठा करने के शौकीन हैं, या फिर आप बहन बेटी बुआओं को किसी भी तरह से मानसिक या शारीरिक या आर्थिक रूप से परेशान करने के, या फिर आपको उनकी तरफ से परेशानी मिल रही है, तो इसको ठीक करना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। ये सावधानी नंबर 5, 6 और 7 में इंक्लूड होगी। अब बढ़ते हैं हम उपायों की तरफ, जिसे हर कोई कर सकता है और करने के बाद उसका रिजल्ट भी अचूक ले सकता है। हर रोज माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नियम पूर्वक करें और बहुत सावधानी के साथ करें।
घर की जो भी आसपास बहन बेटी बुआएं रहती हैं, कन्याएं रहती हैं, उनको खट्टी मीठी टॉफियां देकर के पूरे सम्मान सहित उनके पैर छू के आशीर्वाद लें। यदि आप पैर छू के आशीर्वाद नहीं ले सकते तो उनको खट्टी मीठी टॉफियां ही दे दें। और ध्यान रखें, अपने घर की जिस तरह से आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसी तरह से समाज की हर महिला का आप सम्मान जरूर करें और सबके साथ अच्छी वाणी का प्रयोग करें। ये पाए आपके ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलने में पूरी तरह से सक्षम हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में वो सिम्टम्स, वो सावधानी ज़रूर फॉलो होनी चाहिए, अन्यथा थोड़े दिन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और फिर आपस में आप वहीं पहुंच जाएंगे। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा, इसी के साथ नमस्कार।